क्या आपकी शादी है या फिर आपने किसी पार्टी पे जाना है या किसी और की शादी पे जाना है और अपने हाथों के कालेपन को देखकर आप बहुत परेशान हैं कि चेहरे पे तो हम बेस बना ना हाथ और पाँव बहुत ज़्यादा डर लगेगा तो आज की वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए है वीडियो को आप लोगों ने पूरा देखना है क्योंकि आज की वीडियो देखने के बाद और उसे अप्लाई करने के बाद आपके हाँ हाथ और पाँव काले बिल्कुल नहीं रहेगे तो वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो चलिए ये स्टार्ट कर लें उसके बाद एक चम्मच आप लोगों ने बेकिंग सोडा यानी मीठा सोडा ऐड करना है अगर इनू का पाउ तो आप पूरा एक पाउच इसके अंदर ऐड कर सकते हैं बेकिंग सोडा ऐड करने के बाद आपने इन दोनों चीजों को बहुत ही अच्छे वे में मिक्स करना है ताकि दोनों चीजों की जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल सेम वे में आ जाए तो अच्छे तरीके से मिक्सिंग करने के बाद हम अगली चीज यूज करेंगे लेकिन सबसे पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिक्सिंग करने के बाद हमें चाहिए एक अदद नींबू जिसको हमने काट लेना है काटने के बाद इसके अंदर से आप लोगों ने बीज जो है वो निकाल लेने हैं और इसको इस तरीके से आपने डिप करना है इस मिक्सचर के अंदर और डिप करने के बाद आप लोगों ने इसको अप्लाई कर लेना है आप ऐसे भी लीबू का रस इसके अंदर ऐड करके भी अपने हाथों में मसाज कर सकते हैं लेकिन वो तरीका मैंने इसलिए आप लोगों को नहीं बताया क्योंकि जिनके हाथ और पाँव बहुत ज़्यादा डल हैं बहुत ज़्यादा जिनके हाथों पर कालापन है अगर वो इस तरीके को फॉलो करेंगे ना तो उनके हाथों से कालापन बहुत जल्दी रिमूव होगा अगर आपके पाँव के ऊपर चप्पल पहनने की वजह से सन टैन हो गया है ठीक है तो वो भी दूर हो जाएगा और आपके पाओं और हाथ नीट हो जाएंगे इसे आप अपने गले पे भी यूज कर सकते हैं हाथों पे यूज करें पाओं पे आप लोग यूज कर सकते हैं अपनी एल्बो पे यूज कर सकते हैं इवन आपने हाथों के जो ब्लैक जोड़ होते हैं ना वहां पर आप लोगों ने अच्छे तरीके से स्लिम्बों के छिलके के मन से मसाज करना है इसलिए इस रेमेडी को प्रॉपरली मैंने इसी तरीके से आपके साथ शेयर किया है ताकि आप लोगों के हाथों से जो कालापन है वो इंस्टेंटली रिमूव हो जाए और अगर आप प्रॉपरली इस रेमेडी को फॉलो करते हैं ना तो यकीन मानिए कि कभी भी आपके हाथ हाथों या पाओं के ऊपर सेंटर नहीं होगा बल्कि डे बाई डे आपके हाथ और पाँव निखरना शुरू हो जाएंगे उसके बाद आपको किसी भी ब्लीच की किसी भी क्रीम की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ने वाली तो इस तरीके से दो से तीन मिनट अच्छे से मसाज करना है आपने पाँव की जो एरिया है वहां पर भी आप लोग इसको मसाज को कर सकते हैं ठीक है तो आप लोगों ने छोड़ देना है से लगा हुआ पाँच से छः मिनट के लिए पाँच से छः मिनट के बाद आपने नॉर्मल पानी से अपने हाथों और पाँव को वॉश कर लेना है अगर आप बाथरूम में बाथ लेने जाते हैं नहाने जाते हैं उससे पहले भी आप अप्लाई कर सकते हैं ठीक है इंशाल्लाह आपके हाथों और पाँव से टैन भी रिमूव होगा हाथ और पाँव फेयर भी होंगे और ग्लॉसी भी होंगे यानी कि हाथों और पाँव पे चमक भी होगी आगे चल के मैं आपको क्लोज़ करके दिखाती हूँ कि इसके कितने कम किस्म के रिज़ल्ट हैं इसको हैंकी से साफ़ करना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि इसके अंदर हमने शुगर ऐड की हुई है जो कि जल्दी से उतरने का नाम नहीं लेती है तो मैं आपको यहाँ पर क्लोज़ करके दिखाती हूँ तो ये देखें रिजल्ट आपके सामने है ये देखें तो दोस्तों ये थी मेरी आज की रेमेडी उम्मीद आपको पसंद आई होगी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को लाजमी ऑन करें ताकि मैं मजीद भी ऐसी वीडियोस अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन चला जाए अगर आपको इस रेमेडी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं तो चाहूँगी आपसे इजाज़त अल्लाह हाफिज़